नमस्कार डेली डायरी एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। जॉन अब्राहम की बहुप्रतीक्षित फिल्म परमाणु की स्पेशल स्क्रीनिंग हाल ही में मुंबई में रखी गई थी। इस स्क्रीनिंग में करण जौहर शामिल हुए। करण को फिल्म कैसी लगी इसके बारे में उन्होंने ट्वीट करके बताया। करण जौहर ने अपने ट्वीट में लिखा, मैंने फिल्म परमाणु देखी, मुझे बेहद पसंद आई। यह एक दिलचस्प फिल्म है। फिल्म में सच्ची कहानी को दर्शाया गया है जिसने मुझे अंत तक अपनी सीट से चिपकाए रखा। फिल्म में देशभक्ति की सच्ची कहानी और फिल्म का क्लाइमैक्स आपको अपने हाथ के नाखून खाने पर मजबूर कर देगा। करण जौहर के रिव्यू के बाद ये कहना गलत नहीं कि फिल्म अब तक सामने आए ट्रेलर की तरह ही जानदार है। वैसे पिछले कुछ महीनों में कई बार फिल्म की रिलीज कर चुकी है। फिल्म निर्माण से जुड़े कुछ लोगों के आपसी विवाद की सतह पर देखने को मिले। रिपोर्ट्स की माने तो अब फिल्म की रिलीज का रास्ता साफ हो गया है। ये फिल्म अब 25 मई को रिलीज होगी। फिल्म के लीड रोल में जॉन अब्राहम, डायना पेंटी और एक अहम भूमिका में बोमन ईरानी भी हैं। फिल्म का निर्देशक अभिषेक शर्मा ने किया।